उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग राज्य मंत्री एवं प्रभारी मंत्री दयाशंकर मिश्र आज महाराजगंज जनपद के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बाढ़ से बचाव के लिए शहरी स्थित रोहिन नदी पर बने बांध का निरीक्षण किया। इसके बाद कलेक्ट्रेट सभागार में भव्य वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेकर पौधारोपण किया। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों जनप्रतिनिधियों के साथ बाढ़ से बचाव के लिए कराए गए कार्य एवं विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा, बाढ़ से बचाव के लिए जिले में जितने भी बांध बनाए गए उनकी समीक्षा की गई ताकि बाढ़ से बचाव किया जा सके, कोई भी क्षति न हो। कल पूरे प्रदेश में 35 करोड़ का लक्ष्य रखकर वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम रखा गया, जिसमें महाराजगंज जनपद में 24 लाख से ज्यादा वृक्षारोपण का कार्यक्रम, जिले में 50 करोड़ की लागत से अधिक की विकास कार्यों की योजनाएं, उनके कार्यों की प्रगति की जानकारी लेकर सभी योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा कराने का लक्ष्य। बंदे का निरीक्षण किया है, इसके बाद समीक्षा बैठक की है। किस तरीके निरीक्षण में पाया बंदे के निरीक्षण में, वो विकास कार्यों को लेकर किस तरीके दिशा निर्देश दिए आपने? देखिए, बंदे का निरीक्षण इसलिए किया कि हमारे बाढ़ का समय बहुत करीब है, नदियों में पानी बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो जितने भी बांध हैं जिले के उनकी कंडीशन क्या है, बाढ़ को अच्छे से झेल लें, बाढ़ निकल जाए और कोई नुकसान ना हो, कोई क्षति ना हो जिले की। दूसरा, कल एक वृहद वृक्षारोपण होना है पूरे प्रदेश में, 35 करोड़ का लक्ष्य है पूरे प्रदेश में, जिसने इस जिले को कल 22 जुलाई को जो वृक्षारोपण करना है उसमें 24 लाख वृक्ष कल एक दिन लगाए जाएंगे, फिर 4 लाख वृक्ष 15 अगस्त को लगाने, दोनों दिन का ये कार्यक्रम हुआ। उसी की तैयारियों की बाबत आज ये समीक्षा बैठक थी। जिले में जितनी भी हमारी 50 करोड़ से अधिक की योजनाएं हैं उसके कम जो सड़क, जो बिजली, जो भी विकास संबंधी योजनाएं हैं उनकी वर्तमान की स्थिति क्या है, कहां तक काम पहुंचा है, जो सड़कें हमारी अधूरी हैं उस पर काम में रुकावटें क्या हैं, बरसात शुरू हो चुकी है तो सड़क के काम को जल्द से जल्द पूरा कर लेना, तो इससे तमाम बिजली, पानी, सड़क, आपने देखा कि सारे विभागों के लोग यहाँ उपलब्ध थे, वन के लोग, बिजली विद्युत के लोग, ग्राम विकास के लोग, तो सारे विभागों के लोग, और उनकी वास्तविक स्थिति